किसान बचाओ हिमाचल अभियान संयोजक देशा शर्मा ने कहा कि मंडी का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेला पड्डल से कहीं अन्यंत्र फ्लड एरिया में विस्थापित किया गया तो देव संस्कृति बचाने के लिए 20 फरवरी 2017 से आमरण अनशन किया जाएगा, जिसको लेकर किसान बचाओ अभियान ने उपायुक्त को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। हमारी मांग है कि देशा शर्मा ने बताया कि उससे पूर्व नंगे पांव बड़ा देव कमरुनाग और अन्य मुख्य देवी देवताओं के दरबार आह्वान करने जाएंगे। शर्मा का कहना है कि बिना किसी मास्टर प्लान के ही करोड़ों रुपए बर्बाद करके ब्यास तट का अतिक्रमण कर फ्लड एरिया में बनाए जा रहे तथा कथित मेला मैदान व अन्य गैर जरूरी इच्छाओं तथा सैन मोहल्ले को नदी के बहाव से बचाने का मामला जन सहयोग से एनजीटी में ले जाएंगे। कि जिस तरह से मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से यहाँ का जो ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेला है उसको विस्थापित करके ब्यास नदी के किनारे कहीं खिलियार में फ्लड एरिया में ले जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग अगर यहां से विस्थापित हुआ तो उसके खिलाफ हम 20 फरवरी 2017 से आमरण अनशन करेंगे और उससे पूर्व जो है वो जो बड़ा देव कमरुनाग है उसके दरबार में नंगे पांव जाएंगे और भी मुख्य देवताओं के दरबार में नंगे पांव जा करके उनसे आह्वान करेंगे। हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से वहां खलियार में करोड़ों रुपये फूंका जा रहा है, वहाँ उसी खलियार में जहाँ ये मेला ये किया जा रहा है वहाँ बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए पार्क बनना चाहिए और बिंद्रावणी से लेकर के रघुनाथ पद्धर तक एक जो घाटनुमा परिसर विकसित किया जाना चाहिए और सैन मोहल्ला को बचाए जाने के लिए उसमें दीवार लगा करके सैन मोहल्ला बचाया जाना चाहिए। और हमारी मांग है कि अगर पटल मैदान में राजनीतिक जनसभाएं हो सकती हैं, वहाँ रेड क्रॉस का मेला एक महीने तक हो सकता है, धार्मिक गुरुओं के समागम हो सकते हैं, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला क्यों नहीं हो सकता। संयोजक का कहना है कि मंडी के नेता पिछले 50 वर्षों के दौरान कोई एक पार्किंग तो छोड़ो एक खेल मैदान तक नहीं बना सके हैं। उन्होंने कहा कि एक महीना रेडक्रॉस मेला, दशहरा, धार्मिक गुरुओं के समागम और राजनेताओं की जनसभाएं जब हो सकती हैं तो महाशिवरात्रि मेला क्यों नहीं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।